नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फोर्नेशन में और मैं हूँ आपके साथ रजनीश यादव। छठ महापर्व का तीसरा दिन है और तीसरे दिन यानी भगवान सूर्य को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाना है। चूँकि तस्वीरें अब गंगा घाट की आप देख सकते हैं किस तरह से लोग गंगा तटों पर उमड़े हैं। आप स्वयं तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि यह मौका होता है जब पूरा बिहार एक साथ गंगा तटों पर उमड़ता है और डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद छठ पूजा संपन्न की जाती है। तस्वीरें आप स्टेट हाईवे की देख सकते हैं कि जहां पर लोग गाड़ियों के माध्यम से गंगा तटों पर पहुंच रहे हैं। हालांकि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो छठ व्रती हैं वो गाड़ियों में भर भर कर लोग गंगा तटों पर पहुँचने की कोशिश में लगे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने गंगा घाट की है जहाँ पर डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ दिया जाना है। चूँकि आज तीसरा दिन है और लोग गंगा तटों पर भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए उमड़े हैं। आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना बड़ा लंबा काफिला जो है गंगा तटों पर भक्तों का उमड़ पड़ा है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि गंगा तटों पर किस तरह से भगवान सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि उन तस्वीरों को दिखाइए जहाँ पर लोग गंगा तटों के किनारे पहुँचे हैं भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए। चूँकि आज शाम का समय है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाना है तो इसलिए गंगा तटों पर लोग उमड़े हैं। यही छठी मैया के प्रति छठ व्रतियों का समर्पण है, उनके प्रति आस्था है। जहाँ लोग एक साथ गंगा तटों पर उमड़ते हैं और भगवान सूर्य को डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ देते हैं और जिसके बाद छठ पूजा संपन्न करते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सीधे सूर्य की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान सूर्य जो है सीधा साक्षात दर्शन दे रहे हैं।